अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा चना दाल की करी। बहुत ही आसान है इस डिश को बनाना और बहुत ही कम मेहनत में और कम बजट में ये डिश बनकर तैयार हो जाता है। आपने अक्सर इसे रेस्टोरेंट में या फिर ठेले वाले भैया के पास तो इसे ज़रूर से देखा होगा। जब आपको पता ना चले कि आज मुझे घर पर क्या बनाना है, तब आप ये डिश ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, ये सभी को बेहद पसंद आएगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अंडा चना दाल करी बनाने की रेसिपी। अंडा चना दाल करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है, ये 1 कप है, यानी कि मेजर से करें तो ये 200 ग्राम है। इसके पानी में हमें अच्छे से भिगो देना है आधे घंटे के लिए। आप इसे पहले अच्छे से वॉश जरूर कर लीजिएगा। तो इसे हम रख देते हैं साइड पे। अब यहाँ पे मैंने एक कुकर ले लिया है और इसके अंदर 3 बड़े चम्मच भरकर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसे हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है और काली मिर्च मैंने 8 से 10 नंग ले ली है और 1 चम्मच मैंने जीरा ले लिया है। जब ये थोड़ा सा चटक जाए ना, तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 30 पत्ता और 1 साबुत लाल मिर्च। बस इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज की बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ ऑनियन। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बस मिक्स करना है और लाइट ब्राउन होने तक इसे अच्छे से हमें कुक कर लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच भर कर, और इसे अच्छे से हमें कुक कर लेना है ताकि इसका कच्चापन है वो चला जाए। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच भरकर, और नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ज़रूर शामिल कर लेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं ना वो तले में चिपके नहीं और जले नहीं। तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इस स्टेज पे अब हम ऐड करेंगे चने की दाल जो हमने पहले भिगो के रखी थी, और उसके साथ ही 1 मीडियम साइज का टमाटर को बारीक चॉप करके इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे 1 से 2 मिनट तक हमें स्लो आँच पर अच्छे से फ्राई करना है ताकि चने की दाल में मसाले की कोटिंग जो है ना वो अच्छे से आ जाए। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से भून चुकी है, तो इस स्टेज पे हम 1.25 ग्लास पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किया है और बाद में थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और कुकर के ढक्कन को हमें ढक देना है और 2 से 3 विसल आने तक इसे कुक करना है, या फिर जब तक हमारी जो चने की दाल है ना वो कुक ना हो जाए। तो इसे हम पकने देते हैं और साइड में हम अंडे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बाउल ले लिया है और इसके अंदर 4 अंडे को मैंने तोड़ लिया है। अंडे को तोड़ लेने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका पाउडर, और उसके बाद 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन 1 बड़ा चम्मच भरकर, लेकिन बेसन को हम पहले अच्छे से पानी में स्लरी बना लेंगे ताकि हम ऐसे ऐड करेंगे ना तो अंडे में बहुत सारे लम्स आ जाएंगे। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड करें और अच्छा सा पतला सा एक घोल हम तैयार कर लेंगे। घोल तैयार करने के बाद वापस हम इसके अंडे में ऐड करेंगे। तो ये देखिए, घोल हमारा रेडी है। अब इसके अंडे में ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे और मसाले के साथ तो पूरी जो बैटर है वो स्मूथ हो जाए। तो ये हो गया है रेडी। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक की पैन रख लिया है और इसके अंदर देखिए थोड़ा थोड़ा यह अंडा हम इसमें ऐड करेंगे और एक साथ अच्छे से इसे हम पूरे तवे में फैला देंगे। फैलाने के बाद इसे 1 साइड से बहुत ही अच्छे से कुक हो जाने देंगे। अब हम इसे 1 साइड फोल्ड करेंगे और फिर इसके दूसरी साइड भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम डोसा बनाते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही हमें इसे करना है। बेसन ऐड करने से हमारे जो अंडे की जो है ना फोल्डिंग बहुत ही अच्छे से होती है और इसकी थिकनेस भी है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए, दोनों साइड से मैंने अलट पलट कर इसे बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो अब हम इसके पीसेस करेंगे। तो पीसेस आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप बड़े चाहते हैं तो बड़े कीजिएगा, या फिर छोटे या पतले पीसेस करना चाहते हैं ना तो आप ऐसे कर लीजिएगा। देखिए, तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीसेस इसे कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से हमारे ये पीस हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे से ये कुक भी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से थोड़े थोड़े बैटर को यूज़ करके हमें सभी अंडे को फ्राई कर लेना है और इसे साइड पे रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने सभी अंडे को देखिए इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे रख देते हैं साइड पर और चेक कर लेते हैं कि हमारी जो चने की दाल है ना वो कितनी अच्छे से कुक हुई है। चने की दाल कुक करने के बाद इसका जो प्रेशर है ना उसे अपने आप ही रिलीज हो जाने दीजिएगा। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से तरी इस पर आ चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी कितनी कुक हुई है। तो ये देखिए, दाल जो है ना वो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है।
इससे ज़्यादा आप कुक ना कीजिएगा, वरना ये फैल जाएगी और इसका जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो सकता है। अब इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया हम इसे ऐड कर देंगे। आप इस स्टेज पे अगर गरम मसाला पाउडर ऐड करना चाहे ना तो भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम अंडे की पीसीस ऐड कर देंगे और इस दरमियान आप गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिएगा, यानी ऑन कर लीजिएगा और फिर बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा। और अंडे के पीसीस ऐड करने के बाद एक स्पैचुला के हेल्प से इसे हल्का हल्का सा आप दबा दीजिएगा ताकि इसकी ग्रेवी में वो अच्छे से डीप हो जाए। अब इस स्टेज पे हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से कुक करना है, तो इसे नॉर्मल ढक्कन से हम ढक देंगे और 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा अंडा चना दाल की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। आप देखिए अंडे की जो पीसीस है वो टूटे भी नहीं हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, और ग्रेवी इसमें जाते ही ये अच्छे से फूल जाते हैं और इसका टेस्ट जो है ना वो डबल हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं हमारे अंडे की सब्जी को। यहाँ पर रेडी हो चुके हैं हमारे अंडा और चना दाल की सब्जी। आप इसे रोटी चपाती के साथ या फिर राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी के साथ बेहद अच्छा लगता है। जब आपको समझ ना आए कि आज हम खाने में क्या बनाएं तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे अंडा चना दाल की रेसिपी की जो मेथड है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मुझे कॉमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा, या फिर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपके घर में किस तरह से अंडा खाना पसंद करते हैं। मिलते हैं इसी तरह की बेहद आसान और हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।